हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका पैरासाइट शमशाद फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डुफ्लेट सिरप की, कि डुफ्लेट सिरप होता क्या, उसके फ़ायदा क्या, उसका नुकसान क्या है, उसे कब पीना है और कितना पीना है, और पियेंगे तो हमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इसका इंटरेक्शन भी जानेंगे। और दोस्तों, ये कितना डेंजर होता है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे डुफ्लेक्स सिरप की। डुफ्लेक्स सिरप होता क्या है, एक्चुअली हमें किस काम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों, बड़ों, छोटों सबके लिए है ये सिरप है, और बहुत ही अच्छा सिरप है। तो पूरी फैमिली से इस्तेमाल करें बिना झिझक, मगर डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ना यूज़ करें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक्टुलोज सिरप एक लेक्सेटिव होता है। लेक्सेटिव क्या होता है, कैसे काम करता है हम देखते हैं। लेक्सेटिव जब हम सिरप पीते हैं तो हमारी आंतों के अंदर जाकर एसिड बनता है, और वो एसिड हमारे बहुत ज़्यादा पानी को सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से हमारी आंत खाली हो जाती है, हमारा बावल्स खाली हो जाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है हमें, हमारा जो टॉयलेट जम जाता है हमें नहीं होता, क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ खाते नहीं हैं, हम डिहाइड्रेशन रहते, पानी नहीं पीते, दिन में 1-2 लीटर पी लिए, मगर हमको ऐसा नहीं करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है, पानी पीना है, और फल फ्रूट्स वगैरह का भी यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। डुफ्लेक्स सिरप ये एक्सपर्ट कॉन्स्टिपेशन रिलीफ है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जेंटल स्ट्रेन फ्री मोशन है, मतलब एकदम आराम से आपका पेट खाली हो सकता है, मतलब एकदम फ्री हो सकता है आपका पेट सिरप पीने के बाद। इसमें प्रीबायोटिक इफेक्ट होता है, मतलब हमारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दोस्तों, ये लेमन फ्लेवर का होता है और नॉन हैबिट फॉर्मिंग होता है, मतलब जैसे कि कोरेक्स सिरप, खांसी का सिरप, बहुत लोग नशा करते हैं, मगर डुफ्लेक्स सिरप में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कितना डोज है, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो हमें इसे खाने से 2-3 घंटे पहले लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पेट खाली रहता है तभी ये सिरप काम करता है। डोसेस क्या है दोस्तों, बड़ों को 15 से 5 ml तक पीना चाहिए, 15 से 45 ml तक, और जो बच्चे 7 से 14 साल तक उन्हें 15 ml, जो बच्चे 1 से 6 साल तक उन्हें 5 से 10 ml। दिन में 2 बार पिएं, मगर डॉक्टर से 1 बार ज़रूर कंसल्ट कर लें खाना खाने से पहले। और जो बच्चे 1 साल तक हैं उन्हें 5 ml पिलाना चाहिए। दोस्तों, इसमें लिखा है कि सूटेबल फॉर डायबिटिक एंड एक्सपेक्टिंग लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब क्या होता है, जो डायबिटिक के पेशेंट या तो मदर जो प्रेगनेंसी की मोमेंट में हालत में है, तो उनको ये सिरप सूटेबल कर सकता है, मगर डॉक्टर से 1 बार ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि पहली बात है लैक्टुलोज एक शुगर होता है, एक किस्म का शुगर होता है जो हमारे पेट में जाकर एसिड बनता है, तो डायबिटिक पेशेंट को सूटेबल नहीं कहता फिर भी, मगर इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें 3 प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्रीबायोटिक इफेक्ट है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी आंतों में, जैसे कि एक अच्छा हो गया, एक बुरा हो गया। तो जो अच्छे वाले होते हैं हमारे, हम जो खाना खाते हैं उसको मेटाबोलाइज होने में मदद करते हैं, और एक सोर्स फ्रॉम मिल्क, ये मिल्क से बना होता है, और मिल्क से बना होता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये सिरप पीने से बहुत सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमें एलर्जिक कंडीशन हो गया, हमारे मुंह सूज जाना, आंखें सूज जाना, होंठ सूज जाना, और दूसरा है कि गैलेक्टोसेमिया, अगर आपको खून में बहुत ज़्यादा, आपके खून में बहुत ज़्यादा शुगर है, जिसकी वजह से आप इसका सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट आ सकता है, बिग लीवर, आपका लीवर बड़ा हो सकता है, गैलेक्टोसेमिया में बहुत सारे डिजीज होती हैं जिसमें आपको ये सिरप नहीं पीना होता है। तीसरा है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको नहीं पीना चाहिए। चौथा है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होता है कि जब हमारी आंतें फूल जाती हैं, हमारी आंतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पड़ जाते हैं, उसमें भी सिरप का सेवन हमको नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या तुम मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।